जी वाह, लाजवाब खुशखबरी। जी हाँ, पेंशन भोगियों ने जीती ओआरओपी जंग। मैं इस वक्त ओआरओपी का लेटेस्ट न्यूज लेके मौजूद हो गया हूँ। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड सोसाइटी की तरफ से एक बड़ी न्यूज साझा कर दी गई है। पूरा टेबल खाका निकल के आ गया है। जी हाँ, पेंशन धारकों ने जीती जंग। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी भूतपूर्व सैनिक व पेंशन धारक पेंशन भोगी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जी हाँ ध्यान देंगे, ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की तरफ से जारी किया गया है। और इसमें क्या क्या बातें बताई गई है, ये वो चीज है जहां आपकी जीत हुई है। जी हाँ, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने डाटा मांगा था। जी हाँ, फिक कैसे आपने फिक्स किया है, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, जिसमें पेंशन भोगी को काफी विसंगतियां देखने को मिल रही है और उनको कहीं ना कहीं घाटा देखने को मिल रहा है। तो यहां पे पूरा उन्होंने बताया और यहां पे उनकी पेंशन भोगियों की जीत हुई। तो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ साथ शेयर करना। इसलिए बोल रहा हूं ताकि जैसी न्यूज अभी देख रहे हो ऐसी ही न्यूज हमेशा आपको देख पाए। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना अति महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सभी पेंशन धारक को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जी हाँ, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने पूछा, डाटा मांगा, और ये इसमें एएफटी का बहुत बड़ा रोल है। ये सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं आपको कि ये एकदम लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है। ये अपडेट कर दिया गया, केस जो है केस था उसको अपडेट कर दिया गया है। सबसे पहले कैसे फिक्स किया गया, कैसे टेबल तैयार हुआ, क्या डाटा आपने लगाया, क्या फॉर्मूला लगाया, कैसे पे फिक्स किया आपने, ये बातें थी। आरटीआई का जवाब मिल गया। जी हाँ दोस्तों, आरटीआई डाला गया था, उसका जवाब निकल के आ गया है। तो सभी पेंशनधारक देख सकते हैं, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से जो आरओपी वन में एनालाइज किया था, सेम इट वाज फाउंड इन नाइक का जो रुपीज था 105 से 248 तक जो फिक्स किया गया था। देखिए, जो नाइक का ग्रुप 105 से 248 का डिफरेंस आ रहा है और हवलदार का 100 से 219 का डिफरेंस आ रहा है, नाइक एक्स ग्रुप का 625 से 930 का डिफरेंस आ रहा है, और बात करें आगे सभी का डिफरेंस आ रहा है। तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो सोसाइटी के ऑफिसर से रंजीव जितेंद्र जी, हमारे किशोर बाला जी, इन्होंने केस फाइल किया इन एएफटी के थ्रू, विच इज डिफिकल्ट टू गवर्नमेंट आंसर। और गवर्नमेंट के पास का आंसर देना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, और जिसके कारण सो द गवर्नमेंट लॉयर रन अवे, और वो अपने तारीख पे तारीख, मतलब तारीख से भागते रहे विथ अ डेट इन द केस अपडेट डिबेट। द जज सेड इफ द आंसर डज नॉट कम, और जज ने कहा अगर आपका आंसर नहीं मिलता है तो वी विल ऑर्डर एक्स पार्टी, मतलब हम दूसरे पार्टी जो अपोजिशन है, मतलब कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, उनको विजय कर देंगे, मतलब उनको जिता देंगे। द हियरिंग ये हुआ था आपका 21 मार्च को, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब तो करते रहिएगा लेकिन न्यूज ले लीजिए। 21 मार्च को इसको सुनवाई हुआ था। देखिए, मैटर एक रुपया का नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है वी विल नॉट टॉलरेट अ रिडक्शन ऑफ इवन वन रुपी, इट इज अवर राइट्स। आपने गलत क्यों फिक्स किया, आपने जो तरीका है उसको क्यों नहीं अपनाया जिस तरीके से आपको करना चाहिए था। अगर आप मेरी बातों से मतलब पेंशन धारक व पेंशन भोगियों, जी हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देख लीजिए अगर आप लोग अपना जितना भी है पूरा डाटा यहाँ पे निकल के आ गया, ये डिफरेंस था और एक्चुअल में पेंशन भोगियों को इतना फायदा होने वाला है। अगर ये केस जीत जाती है हमारी पेंशन भोगियों के लिए, गुड न्यूज, एक पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। इसके साथ मैं सब विराम देता हूँ। जय